हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली ईआरपी 9 में किस किस तरीके से आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हो, अब ये टैली की मेन मेन्यू है, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आपको अकाउंट से इन्फो में जाना है तो यहाँ देखिए ये हाईलाइट है, देख सकते हैं, खाली ए प्रेस कीजिएगा तो आप इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगर जी प्रेस करते हैं तो ग्रुप में चले जाएंगे, अगर ग्रुप बनाना है तो यहाँ से सी प्रेस करके ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल ग्रुप बनाना है तो आर प्रेस कर लीजिए, अगर आपको डिस्प्ले में जाना है तो आई प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सिंगल ग्रुप डिस्प्ले में जाना है तो डी प्रेस कर सकते हैं, अल्टर के लिए टी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर सिंगल अल्टर करना है तो ए प्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ ये काम कर सकते हैं। अगर आपको बाउचर टाइप बनाना है तो यहाँ पर बी प्रेस कीजिए, लेजर बनाना है एल प्रेस कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक लेजर बना के दिखाता हूँ, लेजर दो तरीकों से बनाया जा सकता है, एक तो सिंगल लेजर बना सकते हैं, एक मल्टीपल लेजर। तो यहाँ पे सी प्रेस करके आ जाइए, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने एक लेजर बना लिया डेटर पार्टी का, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया उमेश डी कर दिया, ये डेटर पार्टी है हमारी, ठीक है। एंटर करेंगे और एंटर करके नीचे आएंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे सन्डरी डेटर करेंगे तो ये हो जाएगा सन्डरी डेटर ग्रुप, ठीक है। ये डेटर कर दिया, एंटर 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 करके और इसे एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेजर बना सकते हैं, बाहर आने के लिए स्केप बटन प्रेस कर सकते हैं, और जैसे स्केप बटन प्रेस करेंगे और आपको लगता है कि लेजर बनाने में कुछ गलती हुई तो यहाँ पे अल्टर पे जाकर ए प्रेस करना है, खाली अल्टर पे जाने के लिए क्या प्रेस करना है, ए। तो जैसे ही ये प्रेस करते हैं तो आप उस लेजर की तरफ बढ़ चलिए, जो गलती हुआ है वहां पर जाकर के एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर जो भी सुधार करना है आप आसानी के साथ सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अल्टर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ देखना हो तो डिस्प्ले में जा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर बाउचर में जाना है तो वी प्रेस कीजिए और यहाँ से बाउचर में जा सकते हैं आप। इसके बाद F1 से आप इन्वेंटरी बाउचर में जा सकते हैं, F2 से आप डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेट चेंज करना है, F2 प्रेस कीजिए, यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कंट्रा बाउचर में जाना है तो आप F4 प्रेस कर सकते हैं, देखिए कंट्रा बाउचर में आ गए। इसी तरीके से रिसिप्ट बाउचर के लिए F6 और पेमेंट के लिए F5 प्रेस कर सकते हैं, तो देखिए ये पेमेंट आ गए और F6 से रिसिप्ट बाउचर में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है।